आज मंत्रिपरिषद ने 9 मामले में निर्णय लिए हैं। मानसून, बाढ़ और सूखा और अल्पवृष्टि इस वर्ष के अंदेशों को देख के मंत्रिपरिषद ने आकस्मिक फसल योजना अंतर्गत बीज वितरण के लिए 50 करोड़ रुपए के लागत से योजना का कार्यान्वयन के हेतु स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत जो आकस्मिक फसल है उसमें धान प्रमाणित है, मक्का शंकर है, अरहर है, उड़द है, तोरिया है, सरसों आगात है, मटर आगात है, भिंडी है, मूली है, कुल्थी है, मड़ुआ है, सांबा है, कोदो है, ज्वार है और बरसीम है। तो करीब 41,082 क्विंटल ये बीज है और 50 करोड़ लागत से यह आकस्मिक फसल योजना जो है ये चालू की जाएगी। बिहार में आपको जानकारी होगा कि बहुत सारे आरा मिल कार्यरत हैं और कुछ पुराने आरा मिल भी कार्यरत हैं और कारण आरा मिलों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने बिहार कास्ट उद्योग आधारित मिलों की संख्या में परिवर्तन किया है और साथ ही साथ उसके स्वीकृति के प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया है। तो ये दो चीज में संशोधन हुआ है। इसमें 3,400 आरा मिल और 450 कंपोजिट यूनिट का निर्धारण किया है और इसकी 5 वर्ष की मान्यता रहेगी। तो यह एक निर्णय लिया गया है। 3,400 आपका कंपोजिट यूनिट है और 450 300 से बढ़ा के 3,400 हो गया है और कंपोजिट यूनिट कास्ट आधारित उद्योग की संख्या 450 और इसमें एक कमेटी भी बनाई गई है जो स्वीकृति करेगी। जो आपको प्रेस रिलीज मिला ना, 3200 है। उसके बाद अंकेशन निदेशालय में 12 पद, कुल 6 पदों का सृजन की स्वीकृति दी है। 6 पद ये ऑडिट में या फाइनेंस सर्विसेज के। फिर सैप में जो कार्यरत है 3,566 है, उसमें जो इंक्रीज मतलब 1 साल के लिए उनका अनुबंध इंक्रीज हुआ है 2023-24 के लिए। माननीय उच्च न्यायालय में 1 पद उप निबंधक अनुवाद का सृजित हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय में जो 77 पद वेतन स्तर 2 के जमादार में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया है राज्य सरकार ने। माननीय उच्च न्यायालय में 27 पद चालकों का सृजन किया है। अरवल जिला अंतर्गत करपी अंचल में डिग्री महाविद्यालय स्थापना हेतु शिक्षा विभाग को 5.01 एकड़ भूमि स्थानांतरण किया गया है। राज्य सरकार में 2 बैंक कार्यरत हैं। ये राज्य सरकार जिसका अंश है, एक तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है और दूसरा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। तो 2 बैंक में पूंजी निवेश का प्रस्ताव था। भारत सरकार का अंश है 50%, बिहार सरकार का 15% है और जो स्पॉन्सरिंग बैंक है, स्पॉन्सरिंग बैंक का मतलब है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में PNB है, पंजाब नेशनल बैंक है और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में सेंट्रल बैंक है। तो 2 बैंक स्पॉन्सरिंग बैंक है। तो राज्य सरकार का जो पूंजी निवेश है वो 84,86,00,000 का होता है और कुल पूंजी निवेश है 565, जिसमें स्पॉन्सरिंग बैंक 198। तो पूंजी निवेश का प्रस्ताव था जिसमें 84,87,00,000 का पूंजी निवेश और ये BCF से 81,00,000। यही कुल 9 एजेंडा थे जिस पर साउथ बिहार का आपका, दक्षिण बिहार का है पंजाब नेशनल बैंक और उत्तर बिहार का है सेंट्रल बैंक और 15% बिहार सरकार का है पूंजी निवेश, 35% है स्पॉन्सरिंग बैंक का, भारत सरकार का शेयर है 50%।